हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रकाश ठाकुर आज आपको ले चलूँगा एक ऐसे स्थान में, सरहान भीमा काली माता मंदिर, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल में बिल्कुल नए हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का सुंदर नज़ारा, वाह, बहुत ही अच्छा बनाया गया। ये खेल परिसर बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत आनंद आता है इस जगह पे। काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे बना हुआ है ये स्टेडियम। फ्रेंड्स, ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 2160 मीटर की ऊंचाई पर है। फ्रेंड्स, हम अभी सान केफियस एंट्री और ग्राउंड पे हैं, और कुछ ही देरी के बाद हम आपको दिखाएंगे सरहान भीमा काली मंदिर, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस मंदिर से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पे। ये बहुत ही सुंदर बस स्टैंड है यहाँ का। बसेज आप देख रहे हो, यहाँ से हर एक जगह के लिए बसेज जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का सुंदर नज़ारा। तो हम बस स्टैंड से, अब ये देखिए, बहुत ही सुंदर होटल्स, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, और बहुत साफ़ सुथरा बनाया गया हुआ यहाँ का आसपास का सारा कैंपस, बहुत ही सुंदर। तो फ्रेंड्स, अब हम मंदिर परिसर में पहुंचने वाले हैं। तो लीजिए फ्रेंड, ये रहा हमारा भीमा काली मंदिर सरहान, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर तहसील के अंतर्गत सरहान में पड़ता है। यह मंदिर शिमला से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भीमा काली 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेन गेट। अब हम आपको दिखाएंगे अंदर का सुंदर नज़ारा। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अब मंदिर परिसर के अंदर। तो ये देखिए यहाँ का खूबसूरत, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया सजाया गया हुआ, हर एक फैसिलिटीज़ है यहाँ पे हाथ धोने के लिए, और ये देखिए बैठने के लिए, और बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है यहाँ पर। बहुत अच्छा। और ये रहा फ्रेंड्स ऊपर का प्रवेश द्वार। अब हम यहाँ से एंटर करेंगे और इसके ऊपर वाले परिसर में जाके आपको वहाँ का दृश्य दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें कि ये शक्ति पीठ 800 साल पहले बनाया गया था। यहाँ की वास्तुकला आप देख ही रहे हो, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे विशेष प्रकार की लकड़ी से इसका निर्माण कार्य किया गया है, अति सुंदर। फ्रेंड्स, यहाँ पर देवी के
सभी नौ अवतारों को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स हम प्रवेश कर चुके हैं ऊपर वाले परिसर में। ये देखिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते, रबड़ या कोई ऐसी वस्तु जिस पे प्रतिबंध हो वो अंदर नहीं ले जा सकते, उनके लिए विशेष लॉकर की व्यवस्था है यहाँ। फ्रेंड्स धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब अपने पिता दक्ष द्वारा अपमानित होकर जब देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था, तब फिर शिव भगवान ने वैराग्य रूप धारण कर लिया और फिर सती के शिव को उठाकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते रहे। फिर विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्कर से सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर जहाँ जहाँ सती के शव के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना की गई। भीमा काली के इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे सती का बायां कान कट कर गिरा था। इसका विवरण ग्रंथों में भी किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे मानव बलि पहले ली जाती थी 16वीं और 17वीं शताब्दी से पहले। मानव के सिर काट दिया जाता था और सिर को सतलुज नदी में फेंक दिया जाता था तथा बाकी शरीर को मंदिर के प्रांगण में दबा दिया जाता था। फिर 16वीं और 17वीं शताब्दी के बाद नई पीढ़ी ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। तब से अब तक यहाँ इस स्थान पर मानव बलि नहीं ली जाती। फ्रेंड्स भीमा काली माता माँ दुर्गा का रूप है, यहाँ के राजा बाणासुर हुआ करते थे। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर नज़ारा भीमा काली मंदिर का, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे तरीके से बनाया गया, बहुत ही ज़बरदस्त। फ्रेंड्स यहाँ पर ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था है भीमा काली ट्रस्ट की ओर से, यहाँ खाने और पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यात्री और पर्यटक श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और खूब आनंद उठाते हैं यहाँ माता रानी के दर्शन पाकर। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ बहुत ही सुंदर ये पार्क का निर्माण कार्य किया गया, ये देखिए बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स यहाँ आकर आप श्रीखंड महादेव के शिखर को भी देख सकते हैं जो कि सफेद बर्फ़ वाले विशाल पर्वतों से घिरा हुआ है और चोटियों पे यहाँ से बिल्कुल साफ नज़र आता है। यहाँ का सुंदर बाज़ार देखिए, काफ़ी अच्छा बाज़ार है यहाँ पे। फ्रेंड्स नवरात्रों में यहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे लंगर भी लगता है और लोग खूब आनंद लेते हैं यहाँ पर माता रानी के दर्शन पाकर। फ्रेंड्स कहते हैं कि माता रानी के दरबार में
जो भी आता है वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। माता रानी उसको कुछ ना कुछ रजा के रूप में देती ही देती है। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ का सुंदर नज़ारा, हेलीपैड, और ये देखिए इस रान भीमा काली मंदिर के आसपास का बहुत ही सुंदर दृश्य। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।